हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एग्ज़ाम के पहले समस्याएं फेस करते हैं, एग्ज़ाम के दौरान समस्याएं फेस करते हैं और प्रिपरेशन के दौरान अपनी समस्याएं फेस करते हैं। तो नॉर्मली देखो, हम एनसीईआरटी की स्पेशल क्लास ला रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी की हम स्पेशल क्लास ला रहे हैं, देखो एनसीईआरटी की स्पेशल क्लास से पहले हम कुछ लाइव सेशन करना चाह रहे हैं। लाइव सेशन इन द सेंस कि आपको 5 से 6 वीडियो मिलेंगे, ठीक है, जिसपे आपके प्रॉब्लम्स पे हम बात करेंगे, आपको जो समस्या हो रही है उस पर बात करेंगे। जैसे एक तो लोगों को सिलेबस नहीं पता होता है, तो सिलेबस को हम लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है। अगर इसमें सिलेबस में कुछ चीज़ डिफाइन की गई है तो उसका पर्पज़ क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, उसमें सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। देखो, रीड बिटवीन द लाइन्स, यूपीएससी के एग्जाम या आप स्टेट लेवल के भी एग्जाम होते हैं, जैसे एमपीपीसीएस होता है आपका, राइट, एमपीपीएससी होता है, एमपीपीसीएस होता है, छत्तीसगढ़ पीसीएस होता है, बीपीएससी होता है, यूपीपीसीएस, राजस्थान के एग्जाम होते हैं, आरपीएससी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें समस्याएं क्या होती हैं, हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता। समझ में इसलिए नहीं आता कि देखो, रीड बिटवीन द लाइन्स होनी चाहिए। अगर एक लाइन लिखा है, ठीक है, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि अगर एक लाइन में कोई चीज़ लिखी है तो उसमें कुछ उसका पर्पज़ होता है, उसमें लिखा होता है। जो चीज़ें नहीं लिखी होती वो हमें समझना होता है। रियलिटी ये होती है कि अगर एक लाइन का कोई वाक्य लिखा है तो हमें ये तो समझना ही समझना है, इसके अलावा जो इसके अंतर्निहित है, इसके अंदर चीज़ें, हमें वो भी समझने की क्या है ज़रूरत है, वो चीज़ें हमें कोई नहीं बताता। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे और उसको भी डिस्कस अच्छे से करेंगे। उसके अलावा इससे सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग को जो भी समस्या है, जो कुछ भी समस्या है, चाहे आपके टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, जैसे बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट की समस्या होती है, वो क्या करते हैं, अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उनको इस चीज़ की समस्या है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वर्किंग है और नॉन वर्किंग है, उनके लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो उन सब पे हम एक एक करके क्या करेंगे, टॉपिक पे बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके या इस वीडियो को कमेंट करना जाके आपको, कि आपको ये समस्याएं हो रही है। हम क्या करेंगे, सपोज करो 10 बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की समस्या थी, अगर आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तो 10 बंदों को मुझे इंडिविजुअल रिप्लाई देना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर 10 पर्सन ऐसे हैं जिनको टाइम मैनेजमेंट की समस्या है, कुछ लोग ऐसा है जो अपना टॉपिक ही खत्म नहीं कर पाते, टॉपिक की समस्या है, दिन भर में सोचा मैंने 10 टॉपिक करेंगे, राइट, उसमें हम टॉपिक ही कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो समस्या है। तो बहुत लोग के पास अलग अलग समस्याएं हैं, तो ऐसा भी हो सकता है आपके पास ये समस्या रही हो टाइम मैनेजमेंट की, बट अगर आप ये वीडियो देखो तो हो सकता है आपके टॉपिक कैसे क्लियर करना है वो भी आपकी समस्या क्या हो, क्लियर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबके कॉमन प्रॉब्लम को एक साथ इकट्ठा करना चाह रहे हैं, इकट्ठा करने के बाद हम एक ही वीडियो में इन सारे प्रॉब्लम पे बातें करेंगे, राइट। तो उससे क्या होगा कि जिन बच्चों को टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ कुछ और भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। तो मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप लोग क्या करो, कमेंट सेक्शन में जाइए, आपकी जो भी समस्या है आप प्लीज़ कमेंट करिए कि सर मुझे ये समस्या हो रही है पढ़ाई के दौरान, या मुझे सिलेबस नहीं पता है, जो कुछ भी आपकी समस्या है। देखो, कुछ चीज़ें तो मैं आप पहले प्रीडिफाइंड कर दे रहा हूं कि हम ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, बुक्स, हमें बुक्स ही नहीं पता होता कि हम कौन कौन सी किताबें पढ़ें, तो हम इस पर चर्चा करेंगे कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है, उस पर हम एक एक लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे कि कौन सी किताबें ऑथेंटिकेटेड हैं, कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी छोड़नी है आपको। मार्केट में जो अफवाह है उसके बीच उसको छोड़ दीजिए, जो लोग पंचवर्षीय योजना बना के यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, दिल्ली जैसी जगह में बहुत लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे ये किताब पढ़ रहे हो, सिलेक्शन नहीं होता है। अरे इतना पता होता भैया तो आप खुद सिलेक्शन ले लिए होते हैं, राइट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, अगर आपने बुक अपनी शॉर्टलिस्ट कर ली है तो प्लीज़ उस पर स्टक रहिए, चेंज नहीं करना आपको। तो ये चीज़, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। दूसरा ये, ठीक है, बुक के साथ साथ हमें सिलेबस नहीं पता होता। सबसे बड़ी समस्या है कि हमें सिलेबस ही नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या है। हम तैयारी तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन हम सिलेबस पढ़ते ही नहीं। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हम सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या हमारी। तो देखो, सिलेबस को तो मैं एक एक लाइन करके डिफाइन करूँगा कि इसमें क्या मतलब है, इसका कहने का पर्पज़ क्या है, ये एक एक करके हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको सिलेबस की समस्या ना रहे। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया, तो ये मान के चलो कि आपका 50% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व है। आपको एटलीस्ट ये तो पता हो कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो फिर आप कैसे पढ़ सकते हो। आपने, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने स्पेक्ट्रम लिया, आप पढ़ना चालू हो गए, राइट, लेकिन आपने सिलेबस नहीं देखा कि उसमें सिलेबस में क्या क्या लिखा है, प्रीलिम्स के लिए क्या क्या लिखा है, मेंस के लिए। अगर आपको नहीं पता हो, मेजरली हम बात करेंगे मेंस के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में एक लाइन में लिख दिया गया सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान में साइंस टेक आ जाता है, आईआर आ जाता है आपका, फिजिक्स
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे आ जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं आजकल, साइंस और टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो उसका पर्पज हम समझेंगे कि इन्होंने एक लाइन अगर लिखा है तो इस एक लाइन का मतलब क्या है। राइट, तीन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस हो गया, बुक्स हो गई, ये आपके कॉमनली प्रॉब्लम्स हैं। तीसरी प्रॉब्लम है आपके टॉपिक्स की, जो आप टॉपिक डिसाइड करते हो वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो हम टॉपिक पर भी बातें करेंगे कि आपके टारगेट्स दिन भर के कैसे होने चाहिए। ठीक है, हम इस पे बात करेंगे कि आपके टारगेट दिन भर के कैसे होने चाहिए, प्लस टारगेट अचीव करने के लिए हमें बनाना कैसे है टारगेट। अब टारगेट देखो, तीन तरीके से टारगेट बनता है, मैं नॉर्मली आपको बताऊंगा तीन तरीके से हम टारगेट बनाएंगे और तीन तरीके से कैसे टारगेट बनते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो, एक आपका होता है वन डे टारगेट कि आपको अगले दिन क्या करना है। राइट, उसके बाद होता है एक वीक का टारगेट, आपको एक वीक में क्या करना है। उसके बाद आपका टारगेट होता है वन मंथ का टारगेट। ये आपके टारगेट्स होने चाहिए, वन डे, वन वीक, वन मंथ। उसके बाद हम प्लान करते हैं ईयरली। ठीक है, आपको एक साल में पूरा पढ़ाई कैसे अपना करना है उस पर हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले आपको इन तीनों सेक्शन पे पता होना चाहिए कि हमें इस टाइम पीरियड में इतनी चीज़ें कर लेनी है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप स्टडीज चेंज करो, और इसीलिए जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी तो बिल्कुल जीरो से करेंगे, आंसर राइटिंग बिल्कुल जीरो से करेंगे, एकदम आपको कुछ नहीं लिखने आता होगा, ऐसे हम स्टार्ट करेंगे। मैं देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो पहले से आंसर राइटिंग करते होंगे, उनको पता होगा कि मुझे सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, जीरो से आंसर राइटिंग, जीरो से एनसीईआरटी, दोनों चीज़ें हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। सिलेबस एकदम बिल्कुल जीरो से देखेंगे, जो बुक्स आपको आगे चल के आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है उस पर भी हम बिल्कुल ही जीरो से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आपको इसमें एनसीईआरटी की स्पेशल क्लास में परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिन्होंने स्पेशल क्लास की अभी तक वीडियो परचेज नहीं की है, प्लीज़ परचेज कर लीजिएगा। मैं जस्ट ऐसे बता देता हूँ कितने का हमने पैक लॉन्च किया है। ठीक है, आपको इतने का पैक है, ये 1999 रुपये का। उसमें आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी, कोई वैलिडिटी कोई ऐसा है ही नहीं कि आपको कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाएगा। बहुत सारे आपको वीडियो परचेज करते होंगे, आप लोग तो आपको एक्सपायर हो जाता होगा, राइट, लेकिन इसमें कोई एक्सपायरी नहीं है, तो आपका वीडियो कोई कभी एक्सपायर नहीं होगा। प्लस आप जितनी बार चाहें उतनी टाइम से देख सकते हैं, मैनी टाइम्स देख सकते हैं, जितनी बार आप चाहें उतनी टाइम्स आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें कोई आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस मैंने वीडियो में रखी ही नहीं है, इसलिए नहीं रखी क्योंकि देखो, मैं एजुकेशन को थोड़ा इजी वे में चाहता हूँ। क्योंकि होता क्या है, अगर आपको दो साल के लिए कोई चीज़ आपने परचेस की, आप वर्किंग हो, आप पता चले चार महीने से आप इतने ज़्यादा आपकी गवर्नमेंट जॉब करो, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इधर से उधर परेशान हो, चार महीने तक आपने वीडियो नहीं देखी, अब हो गया क्या कि एक साल पूरे होने को आ गया, आपका वीडियो एक्सपायर होने का आ गया, आपने बस 400 वीडियो में से दो वीडियो देखी है, तो आपने अपने पैसे क्या किए, वहाँ वेस्ट कर दिए या वेस्ट हो गए, आपने करना नहीं, जानबूझ के नहीं किया बट हो गए, क्योंकि आपके पास समस्या ऐसी थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोच के क्या किया, इसको ये मिनिमम एक तो बहुत ही छोटा सा अमाउंट रखा है, प्लस आपको कोई इसमें वैलिडिटी वाला समस्या ही नहीं दी कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, सपोज अगर आप 12th जस्ट आपने पास किया तब भी आप परचेज कर सकते हो, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको पास समस्या रहेगा, सेकेंड ईयर में हो तब भी कोई समस्या नहीं है, थर्ड ईयर में हो तब भी कोई समस्या नहीं है, उसके अलावा आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तब भी आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी क्योंकि वीडियो आपके पास हमेशा रहेगा। ये अभी शुरुआती बच्चों के लिए मैंने ये रखा है। ठीक है, तो अगर जिन्होंने वीडियो परचेज नहीं किया है वो परचेज अभी भी कर लीजिए। ठीक है, मैं उनमें ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीटें मैंने लिमिटेड रखी थी लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि प्लीज़ सर इसको लिमिट मत करिए, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जा रही है, हम आपके पुराने स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ सीटें बढ़ा देंगे आगे चल के। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान ना होइए, अगर आप फी पे कर दोगे सारी चीज़ें, हम आप अगर आपने फी पे किया है तो आपको सीटें मिलेगी, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम टीम भी थोड़ी बड़ी करने वाले हैं तो आपको समस्या इसमें कम होगी, और आंसर राइटिंग हम हर वीक करेंगे तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व कराएंगगे, ये हमारा सिलेबस खत्म होते होते हैं। एनसीईआरटी देखो, हमने जो टारगेट लिया दोस्तों, हमें 4 मंथ में मैक्सिमम हम खत्म करेंगे, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम हो सकता है आपका पहले ही खत्म हो जाए बट इसको हम मैक्सिमम 4 मंथ में खत्म कर देंगे, क्योंकि अभी देखो बीपीएससी का भी एग्जाम आने वाला है, प्लस यूपीपीसीएस का एग्जाम होने वाला है, तो जो स्टेट के एग्जाम लोग तैयारी कर रहे हैं, राइट, उनको समस्या ना हो इस चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए इसको कोशिश किया कि पहले खत्म कर दें। ठीक है,
तो इन चीज़ों का मैंने ख्याल रखा है कि आपका ये पहले खत्म हो जाए, राइट। तो इस वीडियो में दोस्तों अभी तक इतना ही रखते हैं। आपकी जो भी समस्या है, आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइए कि सर हमें ये दिक्कत हो रही है, हमें ये समस्या है, प्लीज़ इस पर बात करिए। तो हम एक ही वीडियो में समग्र अपनी आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जिससे कि जो भी बच्चे इन फ्यूचर आपके भाई बहन हो, जो भी आगे पढ़ने वाले हो, अगर उनको ये समस्याएं हो रही हैं तो ये वीडियो देख के समझ पाएं कि अच्छा ये मुझे समस्या है तो मुझे इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, राइट। तो उनको ये पता रहेगा कि मुझे इस समस्या के लिए ये चीज़ें करनी है। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहले मैं आपको कमेंट चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये दिक्कत है, हम उसको एक बार समराइज करेंगे एक जगह, उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे और आपको कोई भी समस्या नहीं होगी उन चीज़ों को लेकर। और बीच बीच में जब हमारी एनसीईआरटी की स्पेशल क्लासेस चलती रहेंगी ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, बीच बीच में लाइफ मैनेजमेंट सेशन ले लेंगे। मतलब आपको अपनी लाइफ को मैनेज करके कैसे चलना है, और मैं एक कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ, कलेक्टर जर्नी, ठीक है। कलेक्टर की जर्नी कैसे आपने पूरी की, कलेक्टर बनने तक की आपकी जर्नी कैसे होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो ये एक ऐसा प्रोसेस है दोस्तों जिसमें आपको डिप्रेशन भी होगा, आपको हेल्थ की इश्यू भी होगी, ठीक है, आप बीमार भी पड़ेंगे, आपके रिश्तेदार भी याद आएंगे आपको, आपकी फैमिली भी याद आएगी, सारी चीज़ें होंगी, सारी तकलीफें होंगी। लेकिन आप एक बार सोच के देखो, जिस दिन आप कलेक्टर बन गए, जिस दिन एक आईएएस बन गए या आप एसडीएम बन गए, उस दिन को आप सोच के एक बार रियलाइज करके देखो कि आपके माँ बाप को कैसा फील होगा, आपकी फैमिली को कैसा फील होगा, आपके भाई बहन जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसको कैसा फील होगा। वो चीज़ें आपको आप अगर सोचोगे तो आपको वो मोटिवेट करेगा, डीमोटिवेट कभी नहीं करेगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों पर हम बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। सबसे पहले तो आप लोग समस्याओं पे हम चर्चा करेंगे, आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको जरूर दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही रखते हैं, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आए, तो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।